अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका नाना जवाद अहमद फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करेंगे, हाउ टू चेक बैटरी, हाउ टू चेक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, किस तरीके से चेक की जाती है प्रोफेशनल वे के अंदर, बैटरी की हेल्थ कैसे देखेंगे। लाइक अब फौरन तो पता चल नहीं सकता कि बैटरी टाइमिंग कितनी है कितनी नहीं, लेकिन हम इंस्टेंट मालूम कर सकते हैं कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी पड़ी हुई है, किन कमांड के जरिए बोर्ड चेक किया जाता है, किन कमांड के जरिए बैटरी हेल्थ चेक की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसके अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कहने चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इस टाइम हमारे पास आप जो मॉडल देख रहे हैं वो HP का है, प्रोबुक 430G5। कोर i5 में है, 8 जनरेशन, RGB रैम के साथ है और 256 GB इसमें SSD है। नीचे से देखने की बात की जाए तो हमारे पास दो सेक्शन दिए गए हैं। इस सेक्शन में आप SATA SSD हार्ड लगा सकते हैं और इस सेक्शन के अंदर रैम प्लस आपको M.2 SSD का ऑप्शन दिया गया है। तो एट अ टाइम आप दो हार्ड इसके अंदर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बैटरी इसकी लिथियम होती है, बैटरी की टाइप जो है बैटरी टाइप लिथियम है और इस जगह पर इसकी बैटरी इंस्टॉल्ड होती है। एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, हीट सिंक दिया गया है इस तरफ। रबर जो है इसकी प्रोबुक की बड़ी नुमाया करके लगाई जाती हैं, बड़ी लगाई जाती हैं। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एलीट बुक हो गई, पवेलियन सीरीज़ हो गई और डिफरेंट सीरीज़ को अगर हम देख लेते हैं तो। अच्छा जी, हीट सिंक के साथ हमें मिल जाता है सुपर फास्ट में USB पोर्ट 3.0 के अंदर ऑडियो जैक मिल जाता है। साथ आपको SD कार्ड बड़ा ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर एक LED लाइट ब्लिंक करती है जो प्रोसेसर लाइट होती है। लोगों की बात की जाए तो लोगो आपको वही ओल्ड लोगो ही मिलता है, न्यू लोगो आपको एलीट बुक सीरीज़ में मिलता है। और यहाँ पे टाइप सी मिल जाती है, वो भी सुपर फास्ट में है। USB पोर्ट दो इस लैपटॉप के अंदर दी गई हैं, दोनों सुपर फास्ट 3.0 वाली हैं। HDMI पोर्ट हमारे पास बड़ी है और साथ VGA केबल का भी ऑप्शन दिया है पुराना, और आर्थरनेट प्लस बुलेट पिन के साथ LED लाइट मिलती है। स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास स्क्रीन साइज़ है 13.3 इंचेस। प्रोबुक की ये बड़ी शान है कि सिंगल हैंड से ये लैपटॉप ओपन आराम से ही खुल जाता है, एज़ कम्पेयर टू एलीट बुक का देखा जाए तो दोनों हाथों से खोलना पड़ता है, थोड़ा सा वो हैवी और बल्की होता है। प्रोबुक यहाँ पे आपके पास बॉडी में यहाँ पे हमारे पास मेंशन है। दूसरी तरफ बात की जाए तो आपके पास बायोमेट्रिक मिल जाता है। कीबोर्ड की बात की जाए तो इस सीरीज़ के अंदर बैकलाइट कीबोर्ड लाइट बहुत ही कम मिलता है हमें, नॉर्मली विदाउट बैकलाइट के साथ ही हमें ये मॉडल मिलता है। स्क्रीन की बात की जाए कंप्यूटर नेम बता रहा है, साथ ही हमें वो बता रहा है कि HP ProBook 430G5 मॉडल है, i5 8th है, 8 CPU के साथ है, 8 GB रैम और DirectX 12 सपोर्टेड है। इंटर करेंगे तो डिस्प्ले बता रहेगा 620, इसमें UHD ग्राफिक्स लगे हुए हैं, 4 GB शेड ग्राफिक कार्ड के साथ आपको इसका मिलता है। नीचे करेंगे तो आपको बता देगा स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1920x1080p है, 32 बिट और 60 Hz के साथ इसकी आपको स्क्रीन मिली है। नेक्स्ट करेंगे तो स्पीकर बता देगा, डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो स्पीकर जेन्युइन है, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखे आ रहे हो तो मींस के फिर स्पीकर रिपेयर है। डिफ़ॉल्ट डिवाइस नो हो जाए और प्रोडक्ट आईडी वेंडर आईडी सन के लिखे हो तो स्पीकर ही चेंज है, कोई मसला मसाइल हो तो यहाँ पे नोटपैड में ऐड हो जाता है। इसी तरह आपने इनपुट में देख लेना है, माउस कीबोर्ड दोनों NA, अगर वेंडर आईडी प्रोडक्ट आईडी आ रही है तो कीबोर्ड माउस में से दोनों में से कोई चीज़ चेंज है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाती है। चीज़ आपने जो चेक करनी है वो बैटरी हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार बार बैटरी आइकन पे जाके तो नहीं देखेंगे ना कितनी टाइमिंग है कितनी नहीं है, तो आपने डायरेक्ट हेल्थ चेक कर लेनी है। सर्च में लिखना है CMD कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने या तो इस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस बात पे चले जाएँ या यहीं से इसको कॉपी करें Ctrl+C ब्राउज़र में, या दिस PC ब्राउज़र ना हो तो दिस PC में जाके इस सर्च बार के अंदर आपने पेस्ट करना है, इंटर करना है, जो सा ब्राउज़र भी हो उस पर ओपन कर लेना है। इस पर आपको बैटरी हेल्थ बता देगा। देखिए यहाँ पे पहले तो वो आपको बताएगा जी इसका मॉडल, एक मिनट रहें, फर्स्ट टाइम खोल रहा है इसको, तुम करें ख़त्म। ये देखें 430G5 मॉडल है, आपने इंस्टॉल बैटरी पे आ जाना है। इंस्टॉल बैटरी में देखना है बैटरी नेम क्या है, मैन्युफैक्चर किसकी है, अगर मैन्युफैक्चर में HP ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो तो बैटरी चेंज है, न्यू लगी हुई है। तो अगर HP का नाम लिखा आ रहा है, बैटरी प्राइमरी है तो मतलब बैटरी जेन्युइन है, लिथियम है। और डिज़ाइन कैपेसिटी देख सकते हैं आप, 40,960 mAh है और फुल चार्ज होती है कि इस टाइम कितनी रहती है वो 40, मतलब पूरी की पूरी बैटरी पड़ी है, साइकिल काउंट अभी तक चले ही नहीं। पूरी बैटरी इन्फॉर्मेशन देता है, लाइक यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितनी बैटरी टाइमिंग ये दे सकता है, 5 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, ठीक है जी, इतनी आपने बैटरी टाइमिंग ली है इससे। और बैटरी हेल्थ यहाँ से चेक हो गई, 40,000 का मतलब होता है
वर्किंग पे 4 घंटे मस्त देगा ही देगा, और ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेते हैं 5 घंटे 6 घंटे पे भी आप लेके जा सकते हैं। दूसरी आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है WMIC स्पेस BIOS गेट सीरियल नंबर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अब ये देखिए आपको बता रहा है 5CD92 मतलब सीरियल नंबर। अब इसके बोर्ड के नीचे भी तो लिखा होता है, हम यहाँ से जाके मैच कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं एस एंड सीरियल नंबर 5CD92, मतलब बोर्ड भी जेन्युइन है, इसका नीचे वाला बॉटम भी जेन्युइन है, तो लैपटॉप का हमारे पास चेक हो गया कि बोर्ड इसका जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से हमने बोर्ड चेक कर लेना है, और बहुत ज़्यादा अगर कॉन्शियस है, नीचे नहीं लिखा हुआ, नीचे वाला बॉटम चेंज है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है HP लैपटॉप ड्राइवर्स, पहली वेबसाइट खोलनी है, वहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट आईडी का सर्च बार एक बनाएगा, उसमें आपने सीरियल नंबर को पेस्ट करना है और फाइंड कर लेना है। अगर लैपटॉप वो फाइंड करने के बाद बता दे कि HP 430G5 है, मीन्स के जेन्युइन है, अगर वो वहाँ पे शो ना करवाए कुड नॉट फाउंड या इस तरह का कुछ लिखा आ रहा हो, तो मीन्स के बोर्ड चेंज है, ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे हमने ये चीज़ें चेक कर ली, और आपने एक गूगल पे जाकर लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, उस पर कीबोर्ड चेक कर लेना है, कैमरा ऑन करके देख लेना है, वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, ब्लूटूथ चेक कर लेना है। ब्लूटूथ में आपने देखना है तो यहाँ पे आके मैनेज सेटिंग में आके आपने ब्लूटूथ देख लेना है कि डिवाइस लगी हुई है कि नहीं, फिंगरप्रिंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। लाइक यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आएंगे, ये देख सकते हैं ब्लूटूथ भी है, बायोमेट्रिक की डिवाइस भी हुई है, कैमरा भी लगा हुआ है, डिस्प्ले में बता रहा है ग्राफिक कार्ड ये है, डिवाइस में बता देगा जी सैमसंग की हार्ड लगी हुई है 256 GB, ठीक है। अब हमने देखना था कि रैम एक लगी हुई है कि दो, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप आपने प्रेस करना है, टास्क मैनेजर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस में आ जाना है, CPU में चले जाना है, यहाँ पे i5 8th generation है, 4 Core 8 Logical Processor प्लस 6 MB cache के साथ है, ठीक है, 4 Core हो तो ये क्वाड कोर प्रोसेसर होता है। मेमोरी में चले जाएंगे, 8 GB RAM है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्लॉट यूज 1 of 2, मतलब एक लगी हुई है, 2 स्लॉट्स हैं, एक यूज हुई हुई है, अगर 2 of 2 होता तो मतलब 4 GB की 2 लगी हुई थी। 24000 mAh की लगी हुई है बस स्पीड इसकी। इसी तरह डिस्क में जाएंगे, सैमसंग की हार्ड लगी हुई है 256 GB, टाइप लिखा होगा SSD, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सी हार्ड लगी हुई है, इसको एज इट इज़ कॉपी करें, एज इट इज़ गूगल पे जाके पेस्ट कर दें, आपको बता देगा कौन सी लगी हुई है, किस टाइप की है, SATA है या M2 है या NVM है। GPU में वही बता रहा है कि आपके पास ये वाला ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, इस चीज़ से हमें ये भी पता लग जाता है। फिर आपने कंडीशन देख लेनी है, कंडीशन देखने के बाद आपने यहाँ पे गूगल पे जाकर लिखना है डेड पिक्सल ऑनलाइन टेस्ट, पहली वेबसाइट पे ओके करना है, और स्टार्ट टेक्स मतलब स्टार्ट लिखा होगा टेस्ट, तो वहाँ पे अगर आप नेट ना हो तो आपने नोटपैड ओपन करना है, फुल स्क्रीन कर लेनी है, और यहाँ पे आपने चारों तरफ से इधर उधर हो के सब साइड से देखना है, कोई स्पॉट, कोई ब्लैक लाइन, कोई ब्लैक डॉट, वाइट स्पॉट, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। जब आप ये कंफर्म कर लें उसके बाद आप इसकी प्राइस पे चले जाएंगे। इसकी प्राइस इस टाइम मार्केट वैल्यू में 60,000 चल रही है, 55,000 से 60,000 इसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम है। अगर आप वीडियो में कुछ और मालूम करना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, और एंड में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।